युवराज, हेमकुट पर्वत अत्यंत मनोहर है। गंधर्वों की राजधानी बहुत ही सुंदर है और कादंबरी सरल हृदया एवं अत्यंत उदार प्रकृति की है। आप बिना कारण के ही बंधु बन गए हैं। यदि आपकी योजना में कोई अवरोध ना आए तो मेरे अनुरोध की रक्षा हेतु केवल एक दिवस के लिए मेरे साथ चलने की कृपा करें। देवी, मैं तैयार हूं। अरे, कहीं ये नारी लोग तो नहीं है? नूतन एवं द्वीप सदृश मानो ये स्त्रियों का भंडार हो। चंद्र किरणों से निर्मित ये महल अनुराग श्रृंगार सौंदर्य अदन बाण कौतुक आश्चर्य सौकुमार्य एवं प्रेम सुसज्जित लगता है। कहीं यहां की युवतियों का निर्माण लावण्य प्रेम एवं विश्वास से तो नहीं किया गया है? हाँ,
मिल गए नैन से नैन मिली आके देखो रे अब तो अलग होंगे कभी नहीं मिल गए रे मिल गए रे अब तो अलग होंगे कभी नहीं आके देखो शीत मिले जल बरसे वायु अनल मिले दीप जले बाष्प शीत मिले जल बरसे सृजन के लिए मधुर मिलन में अब तो अलग होंगे कभी नहीं शशि से मेघ मिले दामिनी दम के सागर में ज्वार उठे शशि से मेघ मिले दामिनी दम के अद्भुत मिले नहीं पुण्य प्रीति का अब तो अलग होंगे कभी नहीं मिल गए नैन से नैन मिले आके देखो रे अब तो
सखी कादंबरी, तो कुशल से तो है ना? तुम वहां वन में और मैं यहाँ महल में, क्या ये पाप नहीं है? राजकुमारी, ये तांबुल युवराज चंद्रपीड़ को दे, वो हमारे अतिथि हैं। मुझे लज्जा आती है, तुम ही दो ना। तू दे, तू उनकी अतिथि है। राजकुमारी आयुष्मती महाश्वेते, महाराज चित्ररथ और महारानी मदिरा आपको देखने हेतु बुला रहे हैं, चलिए। कादंबरी, युवराज चंद्रपीड़ कहाँ ठहरेंगे? असंख्य स्त्रियों के हृदय रूपी स्थान क्या उनके लिए पर्याप्त नहीं है? जिस स्थान में उनकी इच्छा हो अथवा उन्हें अच्छा लगे, मेरे कक्ष के पास ही मणि मंदिर में वे ठहरेंगे। जी प्रणाम। अरे लोभी कन्या, ये तो क्या करने जा रही है? अरे गंधर्व विलास कन्या, यह कार्य तेरे योग्य है? हे स्वेच्छाचारिणी, कहाँ है तेरा बाल स्वभाव श्रृंगार रसानिभिज्ञ? अरे धीरू, एक शिष्ट लड़की को ऐसा अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए। हे दुर्विनीते, यह कुलीन कन्याओं की रीति नहीं है। उनकी पृष्ठभूमि से अवगत हुए बिना मैंने अपनी चंचलता क्यों प्रकट कर दी? दूसरों की बातों पर बिना विचार किए प्रथम भेंट में ही उनकी प्रेम में अंधी होकर हृदय अर्पण करने का साहस मैंने कैसे कर लिया? उनकी प्रेम अचित वृत्ति की विवेचना किए बिना ही, लोक अपवाद की आशंका पर ध्यान दिए बिना ही मैंने ऐसा क्यों किया?
यदि कल ये मेरी प्रीति को अस्वीकृत कर दें तो मैं कहां जाऊंगी? इसका क्या प्रतिकार होगा? कौन है ये चंद्रपीड़? कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। पल भर पहले ही उनकी उपस्थिति मेरे मन में नहीं थी। देखने मात्र से ही इंद्रियों ने मानो उनको मेरा दान कर दिया। क्या मैंने अपने सभी ज्ञान इंद्रियों को दबाकर आत्मसमर्पण कर दिया है? क्या प्रेम ने मुझे उनका दास बना दिया है? क्या उनके हाथों हृदय ने मुझे बेच दिया है? नहीं, नहीं, मुझे उस चपल स्वभाव कुमार से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। मिथ्या विनीते, यदि मुझसे तेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है तो ये ले, मैं चला। क्या मेरा हृदय उनके साथ चला गया? हे तारतम्य अनभिज्ञ, तुम आंखें धोकर फिर देखो कि मैं तुम्हारे योग्य हूं या नहीं। नहीं नहीं, मैं आपको चाहती हूं। केवरक जी, राजकुमारी यहां आओ जी। कहिए। नहीं नहीं, किसी अन्य के द्वारा संदेश भेजना उचित नहीं होगा। मुझे स्वयं ही वहां जाना चाहिए। चलिए। ओ केसरी के, मकरी के, चलो ये ठीक करो। आइए युवराज, यही है आपका मणि मंदिर, आप यहां विश्राम करें। सौंदर्य सभी सौंदर्यों के अहंकार को दूर करता है। आपका ये विनय भाव प्रीतिवश दूसरों को आपके निकट लाता है। आपका सुंदर स्वभाव सबके साथ मैत्री उत्पन्न करता है। आपकी सुकुमार प्रवृत्ति सबका समाश्वासन करती है। ये तो आपकी महानता है कि आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। कादंबरी इस उपहार के बहाने केवल अपने स्नेह को देखती है। यह हार क्षीर सागर मंथन से निकाला गया है। इसका नाम शेष है। गुण और रूप ही आपके आभूषण हैं। तथापि महाश्वेता ने विशेष आग्रह किया है कि महाभाग
कादंबरी के प्रथम प्रणय प्रसंग को भंग करने का विचार मन से भी ना करें, अन्यथा कादंबरी निश्चय ही प्राण त्याग देगी। मदलेखा, तुम बहुत ही निपुण हो, लोगों को समझाना तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। तुमने तो मुझे उत्तर देने का अवसर ही नहीं दिया। मैं तुम्हारे व्यवहार से कृतार्थ हूं। मैं तो एक यंत्र की तरह हूं, जैसे चाहो तुम मेरा उपयोग करो। Thank you.
प्रेम ही पार लगा।